की गई कि नहीं, ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आज रात्रि तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स का विवरण है जिलेवार, उसे समीक्षा गृह विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाए। आज गृह विभाग इस कार्य को कर रहा है और इस कार्य को बहुत तेजी से आज ही रात तक सुनिश्चित करेगा। जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में उपचार और संक्रमण के नियंत्रण के लिए और बेहतर निर्देश क्या हो सकते हैं, क्या और कार्रवाई हो सकती है, बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, ये निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पर उन्होंने यह कहा है कि वहाँ और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था कैसे हो सकती है, होल्डिंग एरिया में कैसे समय कम हो सकता है, एम्बुलेंस में कहीं कोई जो है कठिनाई ना हो, एम्बुलेंस टाइम से पहुँच कर कैसे अस्पतालों में टाइम से दाखिल कर सकते हैं, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ भी चिकित्सकों की टीम भेजी जाए वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित मार्गदर्शन दें। SGPGI और KGMU की टीम अलग अलग जनपदों में जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ACS हेल्थ और ACS हेल्थ एजुकेशन को जनपद लखनऊ के L2 और L3 चिकित्सालयों के भ्रमण का भी निर्देश दिया है और रिक्त बेड कितने हैं वहाँ पर उसकी रिपोर्ट भी आज उन्होंने निर्देश दिया है कि लखनऊ में कोई भी बेड, अगर बेड की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर ली जाए और यथासंभव बेड्स की संख्या को L2 और L3 में बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर में सर्वेलेंस की व्यवस्था को और प्रभावी करने का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर का और मजबूती से काम करने के लिए निर्देश दिया है और मेडिकल टेस्टिंग भी आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर दूरभाष लगा हुआ है, क्यों नहीं हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं या उनके परिवारजन हैं उनसे उनका फ़ोन उठ रहा है कि नहीं, क्या उनका समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। हर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होम आइसोलेशन के लोगों से कम दिन में एक दो बार फ़ोन जाए जिससे जो लोग घर पर हैं वो घर पर ही रहें और एक प्रोटोकॉल का पालन भी करें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी उन्होंने आदेश दिया है कि उससे भी होम जो आइसोलेशन में लोग हैं उनको जो है फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में L2 L3 चिकित्सालयों की बेड्स को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल उपकरण को बढ़ाने का भी एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में संख्या काफ़ी है लेकिन L2 और L3 पर विशेष रूप से चूंकि अब हाई एंड हेल्थ सिस्टम्स पर जो है कहीं ना कहीं संख्या आती है तो उसको और मजबूत करने के लिए कहा है। टेस्टिंग क्षमता में उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि RT-PCR की टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। सामान्यतः लगभग 35 से 40 हज़ार हो रही है लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि UP टेस्टिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है लेकिन इसको और मजबूती से काम करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए निरंतर जागरूकता पर भी उन्होंने दिया है, कहा है कि कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी बुखार उसको है, जरा भी कोई लक्षण इस तरह का है कि उसको बुखार हो रहा है तो उसको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए कोविड अस्पताल में और अपनी कोरोना की टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर देरी होगी तो दिक्कत होगी, अगर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो फिर इलाज में भी कठिनाई होगी और कभी कभी ये इलाज में जो है कठिनाई के साथ साथ जो है काफ़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत यदि जरा भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी ज़्यादा हो, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने DG हेल्थ और DG हेल्थ एजुकेशन को L2 L3 बेड्स को बढ़ाने के लिए विवरण भी उनसे मांगा है। कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है।